मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वी आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। आर फाइन वर्सोवा। अब मुझे ये बताओ, कल किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं? वी आर फाइन। मैं ये कह रही हूं कि कल किस किस को मैम समझ आया और कल। हाँ लक्षिता, मैम, हम कल की क्लास में आए नहीं थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। रिकॉर्डिंग बेटा सेंड तो कर दी थी मैंने शाम को सर को, करी होगी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। टाइम लगता है ना, वो आती है उसपे, वन मिल जुलाई जाएगी। की रिकॉर्डिंग है साइंस में, तो और है ही नहीं। नहीं बेटा सारी है, मैंने 1 जुलाई के बाद मैंने मंडे को 2 डाल ली है, सैटरडे को 1 जुलाई को क्लास ली, 2 जुलाई को ली, 3 को फिर नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, 4 को फिर मैंने 3 वाली और 5 वाली दोनों डाल दी थी, कल वाली भी सेंड कर दी। मैं लिंक सेंड कर दूंगी आज, ठीक है? मैम हेलो। 30 मिनट हाँ, वो क्लास पे, वो टीचमेंट पे नहीं, मैं अलग से, जैसे कई बार बच्चों का फोन आ जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, तो मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके भी यूट्यूब पे डलवा देती हूँ सर से, रविंद्र सर, सैंकी सर, ये अपलोड कर देते हैं स्कूल वाले ऐप पे, ठीक है? तो उसपे मिल जाएगी, मैं अलग से लिंक सेंड कर दूंगी आज, कल वाला आज सेंड कर देती हूँ क्लास के बाद, ठीक है? अब ये पूछ रही हूँ, जिन्होंने कल क्लास ली थी उनको समझ आया एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्लियर या नहीं? मुझे ये मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे वो कल वाले दोबारा से पढ़ाने हैं, एलिमेंट्स, एटम्स, मैम मॉलिक्यूल्स, दोबारा मिक्सर और कंपाउंड। मिक्सर और कंपाउंड चल रहा था लास्ट में। एलिमेंट के बारे में तो मैंने काफी बता दिया था कि ये इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो ये देख लेते हैं एक बार। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कंपाउंड का होता है और वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। एटम फ्री स्टेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल एटम्स के, एग्जाम्पल एटम, गोल्ड एटम, सिल्वर एटम, छोटा पार्ट जो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेंट कर सकता है, वो कहलाएगा एटम। मॉलिक्यूल जो फ्री स्टेट में जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बहुत सारे एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड, और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज का, ये सब क्या हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। तो ये हो गए एटम और मॉलिक्यूल। एलिमेंट, नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, लाइक इंग्लिश अल्फाबेट्स, जैसे 26 अल्फाबेट्स मिलके बहुत सारे वर्ड्स बना देते हैं, ऐसे ही 118 एलिमेंट्स मिलके बहुत सारे कंपाउंड बना देते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स में तो आपके मैंने कल लिखवा दिए थे 1 से 20 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पर आई बेरिलियम, मैम एलिमेंट मिलके भी कंपाउंड बनाते हैं और एटम मिलके भी कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट एटम का, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो एटम है, समझ आ रहा है ना? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिप्रेजेंट करेगा वो एटम होगा, एक ही जैसे एटम मैं से मिलकर मॉलिक्यूल एलिमेंट। डाल रहा हूँ। ओके मैम, मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिलकर बनाएंगे,
कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो कहलाएगा मॉलिक्यूल। जैसे मैंने यहां लिखा गोल्ड एटम, अब गोल्ड के पीस को आप तोड़ते रहो, प्योर जो गोल्ड है हर लास्ट पीस जिसको तोड़ना मुश्किल है हमारे लिए, वहां तक वो क्या रहेगा, गोल्ड ही रहेगा, वो छोटा टुकड़ा ही क्या रहेगा, गोल्ड का रहेगा। ऐसे ही सिल्वर का रहेगा, यानी कि उसमें कुछ, बेटा माइक ऑफ करना आप अपना, ठीक है। तो वो गोल्ड एटम सिल्वर एटम, अब मॉलिक्यूल में देखो मैंने हाइड्रोजन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स फिक्स रेशो के अंदर मिक्स होके बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, कंपाउंड। और उसका बेटा ये किसके घर से आवाज आ रही है, प्लीज स्टॉप करो इसको, ठीक है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये जैसे ग्लूकोज का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे ही मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का बताया, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। एलिमेंट 118 है, ये मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी कि 26 अल्फाबेट्स की तरह 118 एलिमेंट है, जो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड का एग्जांपल चौक, ठीक है, ये आपका वाटर, ये सब किसके एग्जांपल है, कंपाउंड के। यानी कि ग्लूकोज का लेते हैं, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 ही रहेगा, वाटर का जो फॉर्मूला है हमेशा H2O ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हमेशा CO2 ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएंगे, जो कि बहुत सारे हैं, काफी संख्या के अंदर हमारे आसपास चारों तरफ तुम देखो काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कंपाउंड्स के बाद मिक्सर पढ़ रहे थे हम, मिक्सर जो है उसमें एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं वो फिक्स रेशो में नहीं होते, मिक्सर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, टू और मोर, मिक्स टूगेदर, ठीक है, मिक्स ही होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी। जैसे हमने क्या करा, पानी के अंदर चीनी को, इरेंसू, पानी के अंदर चीनी को घोल दिया, जब उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, चीनी हमारी पीछे बच जाएगी, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। या मैंने कल और भी बताया था आपको, जैसे मिट्टी के अंदर आयरन फिलिंग्स गिर गई, लोहे का जो चूरा है बुरादा है वो बिखर गया, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट कर सकते हो ना, कर सकते हो या नहीं कर सकते। बेटा ये माइक ऑफ करो ना किसका, प्लीज तो ये सोयल और आयरन फिलिंग, ये दोनों में फिक्स रेशियो नहीं है, कितनी सोयल है इतनी आयरन फिलिंग है, इजीली हम इसको मैग्नेट से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसके आपको और भी बताए थे, सोयल, सोयल में जैसे कितने सारे आपने पढ़े भी होंगे एसएस में, सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, ठीक है, और सिल्ट पार्टिकल। इसके साथ साथ ह्यूमस, तो इनकी अमाउंट क्या होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा। ह्यूमस जो ये खाद होता है, पत्तियां वगैरह सूख के डिकम्पोज हो जाती हैं, तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो ब्राउन कलर का जो मटेरियल होता है, जो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों के बचे हुए पार्ट्स, स्टेम, लीव्स, ये अगले लेसन में हम पढ़ेंगे जो एडप्टेशन वाला है उसके अंदर, तो वो मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब जिस मिट्टी में सैंड पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, ये कम है, वो उस
उपजाऊ कम मिलेगी क्योंकि वो पानी को होल्ड नहीं रख सकती। जिसके अंदर क्ले के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, सैंड के सिल्ट के कम हैं, तो वो ज्यादा उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, तो उसकी गुड रिटेनिंग वाटर कैपेसिटी होगी और वो फर्टाइल भी होगी। सिल्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है, तो वो और भी ज्यादा कंजस्टेड होंगे, जिनमें से पानी भी रिस के नहीं जा सकेगा। पानी रिस कर नहीं जाएगा तो वो मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी। सोयल के बाद एयर, एयर का हम पढ़ चुके थे, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, परसेंट ऑक्सी, 0.03 कार्बन परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड और जीरो और पॉइंट वन परसेंट मैम वो या अदर गैसेस। नाइन अदर गैसेस। अब इसमें मैंने बताया ना आपको कि कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ स्टीमेट है, अंदाजा है। अब किसी फॉरेस्ट के पास जरूरी नहीं कि पूरा 21 ही रहे, 21.6 भी हो सकती है ऑक्सीजन। और वहां कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी भी, पौधे क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही किसी इंडस्ट्री के पास, हाँ बोलो बेटा, मैं बस साइड होना, स्क्रीनशॉट लेनी है ले लेना बेटा एक मिनट, ठीक है। ऐसे ही किसी इंडस्ट्री के पास आप होते हो तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिलेगी और कार्बन साइड। डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी, जा क्लियर। तो ये क्या है, मिक्सर्स हैं, यानी कि जो पहले वाली प्रॉपर्टीज को ही शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिक्सर्स कहलाते हैं। सिक्स्थ में आपने पढ़ा ही है मिक्सर्स के बारे में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह के मिक्सर होते हैं। हेट्रोजीनियस जिसमें आपने पानी में क्या कर दिया, मिट्टी मिला दी, चौक का पाउडर मिला दिया, आटा डाल दिया, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, पानी की पेंदे पे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, पानी तैर के ऊपर आ जाता है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सर होगा। होमोजेनियस मिक्सर आपने पानी में नमक घोला, चीनी घोली, टेस्ट तो बदल जाता है लेकिन वो दिखाई नहीं देते। ये हो जाएंगे आपके मिक्सर्स। क्वेश्चन था एक मिक्सर में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होगा, मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस है वो एक बार मैं एक दो एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंपाउंड के अंदर माइक ऑफ करना बेटा, आप जिसका भी ऑन है। क्या कहता है कि कंपाउंड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं, वो कंबाइंड होंगे केमिकली। मिक्सर के अंदर वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, यानी कि उसकी जो पहले वाली प्रॉपर्टी है, जैसे चीनी पानी में घोलते हो तो पानी का मिठास बना रहता है, बढ़ जाता है। कंपाउंड जैसे उनको फिर इजी मेथड से हम तोड़ नहीं सकते, पानी में हमने नमक और चीनी को घोला, लेकिन पानी को जब बॉयल करते हैं पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक और चीनी पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम वाटर को तोड़ने की कोशिश करें, पानी को अगर हम तोड़ें, हीट करें, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, वपर के फॉर्म में आ जाता है ना, या उसको हम फ्रीज करें, ठंडा करें, तो आइस के फॉर्म में आ जाता है। यानी कि यही क्या होती रहेंगी, तीनों बदलती रहेंगी। आइस से वाटर बन गया, वाटर से वाटर वेपर ठंडी हो गई, फिर वाटर बन गया, वाटर को और ज्यादा ठंडा कर दिया आपने, फ्रीज में रख दिया तो आइस बन गई। यानी कि
केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, सिर्फ फिजिकली ही कंबाइंड होंगे। कंपाउंड्स केमिकली कंबाइंड होंगे और मिक्सर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे। एक दूसरा, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। मैम आप ये क्वेश्चन आंसर करवा रही हो? नहीं, ये तो मैं आपको कंपैरिजन करके बता रही हूँ, फिक्स्ड रेशियो, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है। अब इसमें जैसे हमने लिखा ग्लूकोज का C6H12O6, हमेशा ग्लूकोज का फॉर्मूला यही रहेगा, जैसे वाटर का यही रहेगा, लेकिन इसमें तो मैंने आपको बताया सोयल का जगह के साथ बदल जाएगा, एयर का भी बदल जाएगा। तो इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं मिक्सर में, लेकिन कंपाउंड के अंदर वो फिक्स रेशियो में होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, इनको क्या कर सकते हैं हम, इजीली सेपरेट कर सकते हैं मैम हमें मिक्सर को। सेकंड पार्ट लेकिन समझ में नहीं आया। बेटा सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, आप ग्लूकोज का कितनी बार ही फॉर्मूला लिखो, जगह जगह बार बार, हमेशा क्या रहेगा, यही रहेगा कार्बन 6H12O6। वॉटर आप कहीं भी किसी भी रिएक्शन में लिखना, हमेशा वॉटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि H3O नहीं हो सकता, HO नहीं हो सकता, HO नहीं हो सकता, HO2 नहीं हो सकता, ऑलवेज ही वॉटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2 होगा। चाहे आप इसके मॉलिक्यूल्स कितने भी बता सकते हो, यहाँ हम लिखते हैं मॉलिक्यूल्स सामने इसके, ये जब हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे उसमें लिखेंगे कि क्या मॉलिक्यूल है, क्या सिंबल है। अब समझ में आ गया लक्षिता? हेलो हेलो, यस मैम। बोला करो ना बेटा, मुझे ऐसे लगता है कि फिर नेट चला गया, उसमें आवाज नहीं आ रही। तो थर्ड जो पॉइंट है कंपाउंड का, इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। अभी तो हमने चेंज पढ़े है ना, फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े है ना इसी लेसन में। जैसे वॉटर को मैंने क्या करना है, सेपरेट करना है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो मुझे इसमें से करंट पास करना होगा, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगी। अदरवाइज तो शुगर और वाटर, इनको तो मैं इजीली सेपरेट कर सकती हूँ, बट इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इजीली सेपरेट नहीं कर सकती। तो कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको केमिकल मेथड से सेपरेट किया जाता है, मिक्सर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जाता है। कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, मिक्सर्स में एनर्जी बहुत कम एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंबल मैंने आपको कल बताए थे, अब फॉर्मूले देखते हैं हम। सिंबल मैंने काफी सारे आपको बता दिए थे, दो तीन एक्स्ट्रा 20 के अलावा, कि आयरन का ये है, गोल्ड का ये, सिल्वर यस का मैम। ये बताए थे ना।
अर्जेंटीना में चांदी मिली थी तो उसका सिंबल क्या दे दिया? एजी दे दिया। ठीक है, गोल्ड का लैटिन नेम ओरम है, AURUM, तो उसका सिंबल क्या बना और दिया? AU, AU एयू सिंबल, AU। ठीक है, जैसे एयू सोडियम का लैटिन नेम क्या था? नेट्रियम, तो उसका नेट्रियम सिंबल क्या भैया? एनए NA। एनए ठीक है, ये सिंबल्स हमने पढ़ लिए। अब फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। फॉर्मूले बनाने के लिए पहले हमें वैलेंसी पढ़नी पड़ेगी। वैलेंसी की डेफिनेशन देखना एक बार। मैं वैलेंसी क्या है? वो ही बता रही हूं बेटा, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है बहुत कि ठीक है। ठीक एलिमेंट्स क्या करेंगे, कैसे कंबाइन होंगे, वो कहलाएगी वैलेंसी। जैसे इसमें कुछ लिख लेना पेंसिल से, है हाइड्रोजन की यार। वैलेंसी। अरे कौन है ये? आंसू माइक ऑफ करो, ये इतनी सारी चैट क्यों चल रही है भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया था बेटा, गुड मॉर्निंग मैम, 2 मिनट अगो वीडियो इज नॉट कमिंग। ठीक है, तो इतनी चेक मत करो। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, मैम फिर से बताना वैलेंसी। वैलेंसी एलिमेंट कितने कंबाइंड हो सकते, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। पहले हाइड्रोजन की 1, जितने हाइड्रोजन किसी से जुड़ वहां से रिलीज होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पढ़ाया है ना, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 1 है। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। ऐसे ही NaCl कॉमन साल्ट हमने पढ़ा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। इसमें वैलेंस ठीक टू है। है, इसका मतलब यहाँ 1 है, 1 1 कॉमन हो गया, तो Na की वैलेंसी भी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। वोटर देखो, वोटर मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, और दूसरी बातें नहीं करो बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। फॉर्मूला जब हम लिखेंगे, ओजस्वी आंसू बातें नहीं करो, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें पहले तो इनके सिंबल लिखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन का एच हो गया, वैलेंसी इसीलिए एक तो बार बता रही हूं। क्या हुआ लक्षिता? मैम हमें वैलेंसी की डेफिनेशन समझ लो। देखो, वैलेंसी किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कितना जुड़ सकता है किसी से। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, दो चार की आप लिख लो। हाइड्रोजन की 1, सोडियम सिंबल आप लिख लेना सामने 1, हेलो पोटेशियम। मैम, हेलो। हेलो, क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही क्या? कॉपर, कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 2 हो सकती है। आयरन की वैलेंसी, बेटा ये माइक ऑफ रखो ना प्लीज। ऋषभ गुड मॉर्निंग हो गया, ऋषभ गुड मॉर्निंग, लेकिन माइक ऑफ रखो बेटा, बाद में बोलना। आयरन की जो वैलेंसी है
है वो टू और थ्री दोनों हो सकती है। कैसे होंगी वो हम पढ़ेंगे आगे। इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी टू, नाइट्रोजन की वैलेंसी थ्री, ठीक है, थ्री और फाइव, ये वैलेंसी है, ये याद रख लेना, फिर ये आगे हमें फॉर्मूले बनाने में बड़ा इजी रहेगा। क्लियर? जैसे मतलब अब कि मैंने कैसे? ये, बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बताने को, तो मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन ये थोड़ा लेवल से ऊपर हो हाइड्रोजन जाएगा। बन इसका मतलब स्क्रीन, कि एक मिनट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया? यस मैम। मैम मैम इनको एक हाँ पेज बेटा, में लिख बोल, ले मैम इन सभी को। लिख लो, अदरवाइज तो क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद मैं एक पेज के नोट्स बना के डाल दूंगी इसके साथ। देखो, मैंने हाइड्रोजन को वन पे लिखा था कल, ठीक? हेलो हेलो, क्या हुआ, वॉइस नहीं आती क्या? नहीं, मम्मी बार मैम आ बार रही है, बोल रहे हैं ऐसे ही, मम्मी ऐसे ही बोलो बोल नहीं रहे बेटा हैं। प्लीज, सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती, फिर मेरे को सेपरेट अलग से रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ती है, दिक्कत ये हो जाती है। और भी तो बच्चे आराम से बैठे हैं, कुछ तो आराम से, बिल्कुल इनकी आवाज ही नहीं आती, नुपुर, यासिका, ट्विंकल, कितने सारे बच्चे आराम से बैठे हैं, एक दो की आवाज ज्यादा आती है, पता नहीं क्यों। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है, उसको अगर हम तोड़ें, डीप में जाएं एटम के अंदर, वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इजी समझ में भी आ जाएगा, ये मैम नाइन्थ का आपके हो पास या पढ़ने आ नहीं। रही है, कुछ समझ में नहीं आ वो। लक्षिता, आप पहले, आप सारे चुप रहो। मैम आपके पास देखो, हर इस, बार कट रही है, बीच बीच में रुक जाती है आप, मैं ही रुक जाती हूँ क्या? वॉइस आ मैं तो रही है, कंटिन्यू बोल रही हूँ बेटा, मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ बेटा, ठीक मैं हो एक जाती मिनट भी नहीं रुक रही। है, कट रही है बीच बीच में, खुद ही रुक जाती है, हर सेकंड में कट रही है। बेटा नेटवर्क इशू भी नहीं है मेरे पास तो, कि नेटवर्क इशू हो, वो शो करता है अलग से दोबारा नेटवर्क इशू। कर सब अपने आप लो। को नो मैम म्यूट करो, आपकी वॉइस आप आ रही कोई है। नहीं बोलेगा, बिल्कुल आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि इसमें नीचे नेटवर्क नहीं आता तो प्रॉब्लम दिखाता है कि नेटवर्क इशू है। देखो, हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक एटम की बात कर रही हूं मैं, एटम में थ्री थिंग्स होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने सबसे पहले एटम ही बताया था, एक एटम को और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसमें तीन चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा कहाँ होगा? न्यूट्रॉन, ये मैंने एक बना दिया न्यूक्लियस, किसी भी चीज का कोई सेंटर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई तो सेंटर होता है, तो इसके सेंटर में जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होंगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये स्मॉल में आएंगे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, और बाहर वाला जो होता है उसको कहते हैं ऑर्बिट या सेल। समझ आ रहा है? अंदर मैंने एक छोटा पॉइंट लिया, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीजें होंगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होगा। बाहर वाला जो ये है और मतलब साइकिल, इसको कहते हैं ऑर्बिट और सेल। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिसके आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इन सबको देख लो, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो, अदरवाइज फिर मैं इनको मिटा के एक बार आपको हाइड्रोजन का बता देती हूँ कि हाइड्रोजन में ये होगा।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 12 हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, यानी कि उसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देता है। वो चीज क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। मैम किसको अब बाहर किसी निकाल से देता है? कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को। चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन पे प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो जब इसको मैम किसी से इसका सॉरी कंबाइन होना नेगेटिव हो, क्या होता है? क्या ई नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये इसका चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैम मैंने अभी चार्ज आपको बताया तो नहीं, मैम चार्ज एटम में के अंदर थ्री थिंग्स मैम ये हैं। पॉजिटिव एक मिनट, नेगेटिव होते क्या है? प्लस और माइनस चार्ज नहीं है क्या? अरे ये किसी भी बल्ब में आपने पढ़े नहीं क्या? दो तरह का चार्ज होता है, बल्ब पे या उस पे चार्जर पे, प्लस माइनस, या इन्वर्टर की बैटरी पे। तुम देखो दो सिंबल होते हैं बड़े बड़े इधर, एक पे प्लस और एक पे माइनस। सेल देखा है, ड्राई सेल, उस पे भी तो प्लस माइनस होता है। पेंसिल वाला जो सेल है, बड़े वाला जो सेल है, उस पे आगे की तरफ यहाँ प्लस और यहाँ माइनस जुड़ा हुआ होता है कि नहीं, ये लिखा हुआ होता है, देखना आज सेल को। तो उस पे दो तरह का चार्ज होता है, प्लस और माइनस। तो एटम के अंदर भी दो तरह का चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, जीरो, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। अब बाहर होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या और करता अंदर है? होंगे, और चार्ज से ही तो एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। मैं आपको हाइड्रोजन का बता रही हूं, एक हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, कॉमन साल्ट। सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, Na। इसका एटॉमिक नंबर मैंने ओजस्वी कितने पे लिखवाया था, बताओगे? ओजस्वी, क्या मैम? मैं ये कह रही हूं एटॉमिक नंबर सोडियम का मैंने कितना लिखा था, कितने नंबर पे बताया था? आपने 19 पे लिखवाया था शायद शायद ना? नहीं, मैंने 11 पे लिखवाया था, सोडियम SODIUM, और उसका सिंबल मैंने Na बताया था। क्लोरीन मैंने 19 पे लिखवाया था। अब यस मैम। इनको अगर उस स्ट्रक्चर से मैं दिखाऊं आपको, देखो ये इसका न्यूक्लियस सोडियम का, और ये इसके ऑर्बिट्स। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद वाले में 8, फिर बाद वालों में सब में 8 8 चलते हैं। 8 के बाद जैसे ही 8 कंप्लीट हो जाएंगे, नवा बाहर वाले ऑर्बिट में आएगा। अब ये देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, कितने हो गए? ये 8 ही हुए ना, नियोन तक हो गए, यानी 10 हो गए। अब 11 नंबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बाहर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, यहाँ। क्लियर? ऐसे ही क्लोरीन का ले लेती हूं मैं, 2 इसमें हो गए, मैम 8 इसमें आपकी हो आवाज कट गए। रही है बीच। लक्षिता बेटा, आपके नेटवर्क का हमारे इश्यू हो पास सकता तो है, सही आ रही है मैम, मेरे पास बहुत तो क्लियर। बिल्कुल मैम क्लियर आ आपने रही है। बताया भी, सरपंच ने अभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में आवाज कट रही थी आपकी। मैम हमारे तक तो सही आ रही थी मैम, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, आपकी आवाज तो साफ आ रही है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा मेरे को, इस पे स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है? हाँ सोडियम मैं का भी हो सही गया दिख ये रहा है। क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया। अब देखो, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इसमें, इसका एटॉमिक नंबर है 17, 7 इसमें हो जाएंगे, तो 8 पूरे करने के लिए इसको तो एक चाहिए। इसके पास इसको कितने यस मैम, चाहिए? 7 चाहिए ना, तो ये इस वाले को क्या करेगा, इसको दे देगा। सिंपल सी एक बात है भाई, दो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी, सपोज करो नुपुर और यासिका, दो गर्ल्स हैं, दोनों के पास दो बुकों के सेट हैं, पर कंप्लीट नहीं है।
नूपुर के पास एक बुक है और यासिका के पास 7 बुक है। रोज रोज मेरी डांट पड़े, किसी दूसरे टीचर की डांट पड़े, इससे अच्छा कम से कम नूपुर वो एक बुक यासिका को दे देगी तो उसको तो डांट पड़ने से बच जाएगी, उसका सेट कंप्लीट हो जाएगा या नहीं। तो वो देने की जो टेंडेंसी है, जितने हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। समझ आ गया होगा? नहीं आया तो मैं कल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ इसको। थोड़ा सा ये ज्यादा हाई लेवल का है, ऊपर का चला गया 9th 10th का, इसीलिए मैं आपको इतना डीप नहीं बता रही, नहीं समझ आएगा, फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि तुम इतना मान लो कि कितने हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये याद रखना, ठीक है? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो उसको भी क्या कर देता है, निकाल देता है। तो हाइड्रोजन जितने किसी से जुड़ेंगे या कितने वहां से रिलीज हो रहे, वो क्या कहलाएगा, उसकी वैलेंसी कहलाएगा। जैसे मैंने ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, हाइड्रोजन ये एटम्स हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के, क्लोरीन के भी 2 एटम मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। वैलेंसी इसलिए बता रही हूं कि फॉर्मूला बनाने में हमें इजी रहेगा। जैसे मैंने बनाया फॉर्मूला NaCl का ही बनाया था, अभी सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 कॉमन आ गया, क्या आ गया, NaCl H2O बना देते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, H2O। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट का ले लेते हैं, ये सल्फेट एक रेडिकल है, ये सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक रेडिकल बना देते हैं, इसकी वैलेंसी भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी 2, क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, ये बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से फॉर्मूले बनेंगे। जस्ट आप एक बोलो नहीं, पर प्रदीप, परमदीप बोलो नहीं बेटा, बातें नहीं करो, ये इस तरह से क्या बनेंगे, आपके फॉर्मूले बनेंगे। यानी कि वैलेंसी क्या होती है, या तो जिसमें जितने हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएं या उसमें से उतने ही हाइड्रोजन एटम निकल जाएं। किसी में से 2 जुड़ गए तो 2 हाइड्रोजन जुड़ने से उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, अगर उसमें से 2 निकल गए तो भी उसकी वैलेंसी 2 ही रहेगी, ये वैलेंसी होगी। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कैसे बनाते वैलेंसी हैं, मैम, वैलेंसी सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं है। घटती भी है, बढ़ेगी क्यों, जिसमें मैंने एक वो सर्किल बार वाला बनाया था कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बताओ कितने होने चाहिए, दिख रहे हैं, आज स्क्रीन दिख रही है, 8 होने चाहिए। अब यस किसी के मैम, पास 4 हैं, 4 से कम है, 8 का आधा कितना हो गया, 4, 4 से कम है तो वो निकाल देगा, 1 2 3 जितने भी है निकालता रहेगा। और जिसके पास 4 से ज्यादा है, मान लो 5 है, तो वो फिर लेगा। यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 5 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन ही है, क्या हुआ, टाइम को मत देखा करो बेटा, क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट लेने की कोशिश किया करो, टाइम ओवर हो गया, मेरे को भी पता है, ठीक है? तो वो तुम्हारी बुक्स वाला ही सेट है भाई, 7 बुक्स का सेट है, 7 हाफ नहीं बनेगा, 8 बुक्स का सेट ले लेते हैं, 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक के पास 5 है, एक के पास 3 है, तो 3 वाला क्या करेगा, उस 5 वाले को दे देगा, उसका भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी, उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो चीज क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। किसी की जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड मैंने कहीं लिखा हो, एक मैंने कल परसों उसमें वो रिएक्शन बताई थी, CaCl2 लिखा था, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, सिंबल बनाओ उसका क्या बन जाएगा, CaCl2 बन गया। यहां देख लेते हैं वो राउंड बना तो के, बस हाँ
पढ़ के देखना एक बार, सोचना, नहीं समझ में आए तो मेरे को फिर से बताना कल, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आए भी तो आप मेरे को फिर से कहना, क्लास में आते ही मैं कल फिर रिपीट कर देती हूँ। थैंक यू, ओके हैव ए मैम, नाइस डे। बाय मैम। ओके बाय बेटा।